नमस्कार, S7 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रवि तिवारी। सारे फेस्टिवल लगभग खत्म होने को है, दिवाली एकदम नजदीक है, पर महानगर पालिका का जो रवैया है वो आपने देखा है। खास करके जो स्लम बस्ती है वहां के सड़कों की हालत अगर हम देखें तो एकदम दयनीय बनी हुई है। महानगर पालिका कुंभकर्णी नींद में मस्त है। कहने को लोग अगर भाषण दे तो RCC रोड से भिवंडी शहर को भर दिया जाता है, पर क्या सच्चाई में RCC रोड भिवंडी शहर को उतना मिला है जितना प्रोपोगंडा फैलाया गया था? ये सब सवालिया निशान है उन नेताओं पर जिन्होंने अपने चुनावी जुमले में तमाम ये RCC रोड हमें दिखाए थे। हमारे साथ अशोक भोसले जी हैं, हम उनसे चर्चा करेंगे। महानगर पालिका में शिवसेना से नगर सेवक हैं, उनसे चर्चा करेंगे। सर क्या कहेंगे, जिस तरीके से हालात आज शहर की है, युवा पीढ़ी भिवंडी शहर में रहने को अब तैयार नहीं, अगर उन्हें कुछ पर्याय व्यवस्था मिले तो छोड़कर भिवंडी चली जाए, क्या कहेंगे? सवाल एकदम मतलब अपने एकदम गहरे से पूछा है कि हम लोग सब जुमले जो है वो जुमले में हम लोगों ने सही में 52 रास्ता CC बनने वाली ये बात जरूर किया है। जिनको जिन्होंने करना था उन्होंने कर दिया है, लेकिन वो सिचुएशन नहीं है। जैसा RCC रास्ता जो बनने चाहिए वो कुछ बने हैं, उनकी भी हालत खराब हो गई है। उनका भी कोई काम जो पूरा टेंडर नहीं हुआ है, जहां पर हमको महानगर पालिका को कटिंग करके देना चाहिए था वहां पर 12 मीटर का रोड था वो 9 मीटर हो गया, जहां पर अपने को 18 मीटर करना था वहां 9 मीटर है। तो ये सभी बातों को देखा जाएगा तो यहाँ के जो आने वाले MMRDA के जो राज्य सरकार ने पैसा दिया है, कौन सा सरकार है, हमारा सरकार है, पीछे का सरकार था, ये बात अपन नहीं करते। लेकिन सरकार ने, राज्य सरकार ने हो या केंद्र सरकार ने, भिवंडी के ऊपर जो भी तरीके से पैसा देना चाहिए था वो दिया है। हम नहीं नकारते, मतलब मैं तो नहीं नकारता हूं, लेकिन उसका जिस तरीके से यहां पर फॉलो अप होना चाहिए वो क्यों नहीं होता है, ये सवाल ही मेरे दिमाग में हमेशा बैठा हुआ है। वो ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं मैं, लेकिन वो सवाल का जवाब मुझे नहीं मिल रहा है। इसके लिए मैंने अभी दो तीन दिन पहला मैंने सही में मुझे मतलब ये रास्ते के बारे में लोग बोलते पीछे से सामने भी मुंह पे बोलते हैं, वो सही में उनकी जो जनता की जो मांग है, जनता जो रो रही है, जनता जो भड़क रही है, वो सही है। उनकी गलती नहीं है, गलती हमारे जैसे लोगों की। रस्ते होनी चाहिए, रस्ते नहीं तो शहर का विकास, अपन शहर में रहते खेड़े गांव में नहीं रहते, तो वो लोग जरूर पूछते हमके। हमारे जैसे लोगों को भी समझ में आना चाहिए कि रास्ता क्यों नहीं बनता है। तो इसके लिए कोई एक एक स्टेज पर आना नहीं चाहते, आते नहीं है और बात करना नहीं चाहते। तभी हमारे सभी शिवसैनिकों ने यह बोला है कि हम लोग रस्ते पर आना चाहते, हमको ये रास्ता नहीं बनेगा तो हम पार्टी की तरफ से शिवसैनिक जो है हम लोग वो हम रास्ते पे आएंगे, आपके साथ हम लोग हैं और हम जरूर भिवंडी में रास्ता रोको आंदोलन करेंगे और उसको रास्ता बना के रखने के लिए हम कमिश्नर महापौर जो भी है उनकी व्यवस्था को भाग पाड़ेंगे। लेकिन ये सब करने से लैंड ऑर्डर का प्रॉब्लम तैयार होता है, सरकार हमारी है तो वो भी तकलीफ हमको रहती है। क्यों, जब लैंड ऑर्डर का प्रॉब्लम आएगा तब शहर में उसका अलग तरीके से उसका मैसेज जाता है, तो हम ये नहीं जाते। इसलिए मैंने कमिश्नर को बोल दिया है क्लियर कि वो हमको ये रास्ता चाहिए, जो जो रास्ते हैं किसके किससे पैसे से बनाते हैं, किसके कहने से बताते हैं, हमको उससे मतलब नहीं, हमको रास्ता बन की चाहिए। भिवंडी महानगर पालिका एक अजूबा महानगर पालिका है, यहाँ की बात करें तो यहाँ तो यही समझ में नहीं आता कौन सत्ता में कौन विपक्ष में, खिचड़ी है बिल्कुल। ऐसे में कौन किसके ऊपर क्या आरोप कर रहा है, क्या प्रत्यारोप कर रहा है, जिसमें जिसके कारण आज शहर हमारा विकास से वंचित है, कहां तक नहीं खिचड़ी है ये। आप अभी तुम आप देखते ही है, वो सब सालों साल होते आ रहा है भिवंडी महानगर पालिका। भिवंडी महानगर पालिका जनता के लिए नया नहीं बात है, वो कल महापौर कौन बनने वाला है जनता पहला तय करता है, उनको पहला मालूम पड़ता है, बात वो नहीं है। देखो वो जिस तरीके से राजनीति हो रही है ठीक है, राजनीति होने के बाद हम लोग एक जगह हाउस में बैठते हैं, हम लोग महानगर पालिका में काम करने को आते हैं, तब सब लोग हम शहरवासी के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन वो सोच किसी में मतलब मुझे 3 साल में नहीं दिखाई दिया, ये मैंने मेरे आंखों से देखा है। मैं किधर भी जाहिर किसी से बात करने को तैयार हो, लेकिन ये जो 90 नगर क्षेत्रों को एक जगह होकर शहर के बारे में, मेरे वार्ड में नहीं होना चाहिए, मैं किधर भी शहर में अच्छा काम करने के लिए जो सभी को साथ में देके चलना चाहिए वो कहां, मुझे तो 3-3.5 साल में किधर भी दिखाई नहीं दिया। इसीलिए आप लोग राजनीति करो लेकिन जनता के बारे में सोचते टाइम अच्छा पॉजिटिव सोचो, काम करते टाइम कोई भी पार्टी का आप हो, जब आप 90 नगर सेवक बनते तो शहर के प्रतिनिधि है, आपकी प्रॉपर्टी है, आपकी जनता है,
तो आपको एक जगह रहकर जनता का काम करना चाहिए। लेकिन ये तीन साल में मुझे तो मैंने देखा नहीं है कि कोई भी आके शहर के बारे में बात करता है। हर आदमी अपने बारे में बात करता है, शहर के कोई भी आदमी को किसी चीज की पड़ी नहीं है। वो महापौर किसका है, चेयरमैन किसका है, ये बातें अलग है। वो ठीक है, वो 10 दिन 15 दिन सब अपना अपना राजनीति करते, वो करना चाहिए करते, वो ठीक है, उसको भी जनता से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आप जनता के बारे में कोई भी एक प्रतिनिधि ऐसा एक जगह पे होके बात नहीं करते हैं, इसीलिए शहर को बहुत तकलीफ है। और ये शहर को ऐसा ही रहेगा तो शहर और खराब होते जाएगा। आपसे बहुत अपेक्षाएं हैं, अपेक्षा के साथ में खास करके अगर आप गाड़ी से निकलते होंगे घर से बाहर, तो जो हालात है आप समझ रहे हैं, जो काम हुए हैं वो भी इतने गिरे स्तर के काम हुए हैं कि एक महीना दो महीना चार महीना होता है कि वो शहर सड़क टूटने को आ जाता है। जैसे आपने अभी देखा ब्रह्मांड नगर अंजूर फाटक से लेकर ब्रह्मांड नगर का RCC रोड वो टूटने को आ गया, वहां पर अभी से मरम्मत शुरू हो गई। देखो शहर में जितने भी, मैंने इसे पहले भी कहा है, राज्य सरकार हो केंद्र सरकार हो, जो अपन बात करते हैं वो कल्याण डोंबिवली को देता है, ठाणे को देता है, मेरा भाई वसई को देता है, वो राज्य सरकार भिवंडी महानगर पालिका को भी देता है, बस कुछ लोगों को पता नहीं है, लेकिन देता है। सरकार किसी का भी हो, किसी वही बात है मेरा। लेकिन फिर भी हमारे यहां पर भिवंडी में आने के बाद हमारे पास राजीव गांधी जो ब्रिज बना है वो आज उसकी हालत अपने को हेवी व्हीकल के लिए बनाया गया था, वो आज लाइट व्हीकल के लिए हो गया है। जो देखो आप एक बात है, जो दुनिया में किधर कानून में नहीं है कि फ्लाईओवर के ऊपर ट्रैफिक पुलिस वालों को खड़ा रखना, ये कोई भी दुनिया में रूल नहीं है, कानून नहीं है। फिर भी हमारे भिवंडी में राजीव गांधी और साई बाबा चौक को जो ब्रिज है उसको एक जगह कर दिया है। वहां की जो जब हालत होते हैं तो अपन शहर में ये दुनिया से अलग ब्रिज बनाए, उसकी परिस्थिति खराब है। तो तीसरी बात, जो भी MMRDA के रस्ते बने हैं, आपने जब भी काम चालू था तभी वो महावीर चौक के दामदगढ़ का जो हमारा ब्रह्मानंद नगर तक जो रोड बना है वहां पर 3 बार उसको पैच किया है, मतलब काम अपने इधर होता नहीं बराबर। अभी जो धामकर नाके का BNN कॉलेज के सामने का रास्ता बना है वो भी वैसे ही है, बस ऊपर का मट्टी निकाला, ऊपर से CC डाल दिया, उसको वो प्रॉपर नहीं होता है। शहर को शिवसेना स्टाइल की जरूरत है, शिवसेना स्टाइल में जरूरत है। लेकिन मैं यही सेलिब्रेटेड कहा मैंने कि जब भी शिवसेना स्टाइल में आ जाती है तभी शहर में लैंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए हम सभी शिवसैनिक और शिवसेना के जितने भी पदाधिकारी है वो यही चाहते हैं कि शिवसेना से कोई तकलीफ इस शहर को नहीं होना चाहिए। जब शिवसेना जब उतरती है ना तब लैंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होता है, और लैंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होना मतलब हमको ऊपर से भी उसकी पूछताछ होती है। तो इसीलिए हम ये कोशिश कर रहे हैं, शिवसेना की ये कोशिश कर रही है। मैंने शहर अध्यक्ष से भी बात की, उन्होंने बोला कि अपने को करना है तो फिर उतरेंगे, लेकिन अपने को यह है कि लेन ऑर्डर की तकलीफ नहीं होनी चाहिए शहर में, शांतता बरकरार रहनी चाहिए। इसीलिए हम ये चाहते हैं कि ये काम बने, और आखिर में नहीं बना तो शिवसेना अपने शहर से काम करेगी, उसको कोई रोक नहीं सकता। तब तक इंतजार करेंगे। देखो अभी दिवाली मुंह पे आ गई है, कोरोना उसको निकलने की कोशिश में है, सरकार अच्छा काम कर रही है, महानगर पालिका का जो भी कर्मचारी है, हमारे आयुक्त है, हमारे पूरी मतलब जो भी काम करते हैं इसमें वो सब अच्छा काम कर रहे हैं, और कोरोना को भगाने की कोशिश में है। आखिरी पड़ाव में कोरोना भगने वाला है। कोरोना भगने के बाद जरूर मुझे ऐसा लगता है कि इसका जो हमारा शिवसेना के जो मांग है वो पूरी होने की कगार पे है, और आयुक्त उससे पॉजिटिव है, और हमारे मेरे महापौर मैडम जो है प्रतिभा त्रिपाठी, उनके मिस्टर जो विलास पटेल साहब है, उनसे भी मेरा बात हुआ इस बात को, उन्होंने पॉजिटिव मुझे जवाब दिया है कि ये सब हम शहर के बारे में सोच रहे कर रहे, लेकिन हो सकता है कि उनका मान मुझे सम्मान रखना पड़ेगा। शिवसेना उसके बाद में जो भी तरीके से काम नहीं होता है दिवाली के बाद जरूर इसके ऊपर विचार करें। दिवाली के बाद अच्छी खबर शहर को आ सकती है, आशा यही लगाए बैठे हैं, जिस तरीके से अशोक भोसले जी ने अपने इस इंटरव्यू में दिया है, अपने वक्तव्य दिए हैं। पर भिवंडी शहर कहां जाकर रुक रहा है, क्या यहां के लोगों का जो अंधकारमय यह जिंदगी है कब प्रकाश में आएगा, ये अब देखने की बात होगी। जो भी अपडेट्स होंगे हम आपको दिखाने का प्रयत्न करते रहेंगे। आपकी समस्या हमारी ताकत, दोनों मिलकर शहर को सुधारने की एक पहल इस इंटरव्यू के माध्यम से।